हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? शनिवार का खूबसूरत दिन है, शनि देव का दिन है। और शनि देव की बात की जाए तो नवग्रहों में शनि देव ऐसे ग्रह हैं जिनसे लोग भय खाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वे न्याय प्रिय हैं और कर्म फल दाता भी हैं और मनुष्य को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। कोणस्थ पिंगलो बभ्रु कृष्ण रौद्र अंत को यमः सौरी शनिश्चरो मंदः पीपलादेन संस्तुत। यानी कोणस्थ पिंगल बभ्रु कृष्ण रौद्र अंतक यम सौरी शनिश्चर मंद और पीपलाद, ये इनके 10 नाम हैं। और शनि देव का इन 10 नामों के साथ स्मरण करने से शनि दोष सभी प्रकार के दूर हो जाते हैं। यदि यमराज को मृत्यु के देवता मानते हैं तो शनि देव को कर्मों के दंड अधिकारी माने जाते हैं। गलती कैसी भी हुई हो, जानबूझकर या अनजाने में, दंड तो भुगतना पड़ता ही है। यदि कोई भी व्यक्ति शनि की ढैया या 7.5 से ग्रसित है या फिर कुंडली में शनि के अशुभ प्रभाव के कारण किसी रोग से पीड़ित है तो आज के दिन आपको छोटे छोटे उपाय जरूर करने चाहिए। शनिवार का दिन है, सुबह से ही गली मोहल्ले और चौराहों पर शनि के नाम का दान मांगने वाले बहुत सारे याचक आपको दिखाई दे जाते हैं और सभी लोग डाकौत उन्हें कहते हैं और उन्हें दान भी देते हैं। यहाँ तक कि शाम को शनि मंदिर के बाहर शनि दर्शन के लिए लंबी कतारें दिखाई देती है। हर मनुष्य कोशिश करता है कि शनि देव उनकी कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनाए रखें और शास्त्रों में शनि देव को भाग्य संवारने वाला देवता माना गया है। अगर शनि देव आपसे प्रसन्न हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत आपका, कोई ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। वहीं अगर शनि की कुदृष्टि पड़ गई तो आप तबाह हो सकते हैं। शनि देव की कृपा पाने के लिए कई उपाय बताए गए हमारे जीवन में जो हमारे कष्टों को दूर करते हैं। शनिवार को सूर्य पुत्र श्री शनि देव की पूजा की जाती है और शनि देव को प्रसन्न कर अगर आप कर लेते हैं तो आप देखेंगे जीवन में एक नई तरंग का आभास होता है। लेकिन अधिकतर लोग शनि देव को बुरा मानते हैं या डरते हैं क्योंकि उनके कर्म वैसे होते हैं। और अगर आपने कभी भी बुरे कर्म नहीं किए हैं तो मैं आपको बताती हूँ, सच्चे दिल से शनि देव को अपना दोस्त मान लीजिए और देखिए आपकी शनि की 7.5 आपकी नैया पार लगा के जाती है। दोस्तों, काफी लोग को पता नहीं होता है, कुंडली में बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि मैम हम कैसे जाने कि शनि देव हमारे ऊपर कुदृष्टि लिए है, या कुंडली किसी को दिखानी पड़ती है तभी आप जान पाते हैं कि कुंडली में शनि दोष है या नहीं है। तो आज आपको मैं बता देती हूँ कि लक्षणों से आप पहचान सकते हैं कुंडली में शनि की स्थिति। जैसे कि यदि शरीर में हमेशा आलस्य लगता है, थकान लगता है, नहाने धोने का मन नहीं करता, नहाने धोने से अरुचि हो जाती है या नहाने का वक्त नहीं मिलता आपको, आप नए कपड़े खरीदते हैं, बड़े शौक से खरीदते हैं लेकिन उनको आप पहन नहीं पाते या पहनते भी हैं तो जल्दी जल्दी फटने लगते हैं। जूते आदि का भी यही हाल होता है, जूते या तो होते नहीं है आपके पास या फटे चिथड़े जूते होते हैं या नए भी आपने खरीदे तो वो भी खराब हो जाते हैं। घर में तेल हुआ, राई हुआ, दालें हुई, ये फैलने लगते हैं, इनका नुकसान होने लगता है। आपकी जो वार्डरोब है, अलमारी है, वो हमेशा अव्यवस्थित रहने लगती है और भोजन से बिना कारण अरुचि होने लगती है। खाना आपका खाने का मन है, भूख बड़ी तेज लगे लेकिन जब भोजन सामने आए तो किसी भी भोजन में स्वाद ना आए और अगर खा भी लेते हैं तो अपच हो जाती है। सिर और पिंडलियों में, कमर में दर्द बना रहे। परिवार में पिता से, परिवार वालों से, बड़े बुजुर्गों से अनबन होने लगे। पढ़ने लिखने से या लोगों से मिलने में उकताहट सी होने लगे, चिड़चिड़ाहट होने लगे। ये सभी स्थितियां शनि के ग्रह की अशुभता की द्योतक होती है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं तो आपको तुरंत उपाय करने चाहिए। हमेशा बताती हूँ शनिदेव के छोटे छोटे उपाय करें। बंदर हुए, काली चिड़िया, काली गाय, काले कुत्ते, इनको आप रोटियां दें, मीठी रोटी खिलाएं या बूंदी के लड्डू खिलाएं, इन सभी से शनि का कुप्रभाव कम हो जाता है। खासकर काली गाय की सेवा करने से शनिदेव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। काली गाय के सिर पर रोली लगाकर, सिंगों में कलावा बांधकर धूप दीप आरती करें, परिक्रमा करें तो माना जाता है गाय को थोड़ा गुड़ खिलाएं या मीठी रोटी खिलाएं, बूंदी के लड्डू खिलाएं, इससे शनिदेव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए, इस प्रकार के कार्य आप करें बड़ी सींग वाली गाय के तो सावधानी से करें, कहीं आपको मार ना दे। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजन करना, पीपल के जड़ में गाय का दूध मिला जल डालना, चंदन काले तिल अर्पित करना, मिठाई का भोग लगाना, ये सभी बहुत चमत्कारी माने जाते हैं। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की परिक्रमा 7 बार आपको करनी चाहिए कच्चे सूत को लपेटते हुए, और ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का
मंत्र का जप आप करते जाएं। धागा लपेटने के बाद पीपल की पूजा आपको जरूर करनी चाहिए। आप देखेंगे इस उपाय से शनि की साढ़े साती के वजह से आ रही बाधाओं से आपको जीवन में दूरियां हो जाती है और आपके जीवन में सुख का आगमन होता है। पीपल का वृक्ष ना हो तो बरगद के पेड़ के नीचे भी आप ये काम कर सकते हैं। सरसों के तेल का दीपक लगाएं और धूप दीप करें। शनिवार के दिन घर की उत्तर पूर्व दिशा में अगर आपको आसपास कहीं पीपल का वृक्ष नहीं मिलता, बरगद का वृक्ष नहीं मिलता, तो आप शनिवार के दिन अपने घर में शमी के वृक्ष को भी लगा सकते हैं और हर शनिवार को शमी के पौधे की पूजन करें। इसको हमेशा घर के उत्तर पूर्व दिशा के कोने में ही लगाना चाहिए। इस उपाय से शनि के दोषों से मुक्ति मिलती है और शमी के वृक्ष भी कई लोग जड़ को धारण करते हैं। इसको काले धागे में बांधकर गले या बाजू में आप धारण कर सकते हैं। दोस्तों, शमी को बहुत ही पूजनीय माना गया है। आप जानते ही होंगे कि इसी वजह से लंका विजय के बाद श्री राम ने भी शमी वृक्ष का पूजन किया था। गणेश जी हो, शिव जी हो, शनि देव हो, हनुमान जी हो, सभी को शमी के पत्ते अर्पित करने से चमत्कारी लाभ की प्राप्ति होती है। दोस्तों, शनिवार का दिन है और जो लोग भी शनि की साढ़े साती हुई, ढैया हुई, इन सभी से ग्रस्त होते हैं, उन्हें काले घोड़े या नौके की कील से चार कील बनाकर अगर शनि पीड़ित व्यक्ति के पलंग में गड़वा दिए जाएं तो शनि के प्रकोप से मुक्ति मिलती है। शनिवार के दिन काले घोड़े की नाल को आप चाहे तो जो जेंट्स है वो दाहिने हाथ में और जो लेडीज है वो बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में पहने तो इससे भी सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं। काले घोड़े की नाल को घर के बाहर टांगने से भी पारिवारिक क्लेश समाप्त हो जाते हैं और घर में आर्थिक उन्नति भी होने लगती है। कई लोग अक्सर पूछते हैं कि मैम हमारी दुकान नहीं चलती, तो दुकान के बाहर भी आप काले घोड़े की नाल अगर टांगते हैं तो इससे भी दुकान की सेल बढ़ती है और शत्रुओं से प्रतिस्पर्धा में भी जीत हासिल होती है। आप देखेंगे धीरे धीरे काले घोड़े की नाल लगाने के बाद आपकी दुकान में परिस्थितियां अनुकूल होने लगती है और चाहे तो आप घर के बाहर मुख्य द्वार पर काले घोड़े की नाम को अंग्रेजी के जो अक्षर यू अक्षर होता है उस तरह आप टांग देते हैं तो ये बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जाओं से घर को बचाता है। लेकिन अगर आपके घर पर लगता है किसी ने जादू टोने किए हैं, तंत्र मंत्र आदि किए हैं, तो आपको उल्टा यू बना करके इसको लगाना चाहिए। दोस्तों, शनिवार के दिन क्या करना चाहिए और हमने जाना, लेकिन कुछ काम होते हैं खासकर नमक से इस दिन जो हमें नहीं करना चाहिए। हमारे समाज में लंबे समय से परंपरा चली आ रही है कि शनिवार के दिन लोहे को नहीं खरीदना चाहिए, लोहे का बना सामान आपको नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि शनिवार के दिन लोहे का सामान क्रय करने से शनि देव कुपित हो जाते हैं, इसलिए इस दिन लोहे का सामान खरीदने के बजाय आपको दान करना चाहिए। हाँ, अगर आप दान करने के लिए खरीदना चाहते हैं तो आप इस दिन खरीद सकते हैं, लेकिन पर्सनल यूज के लिए इसको नहीं खरीदना चाहिए। कैंची हो, ऐसी चीज जो कपड़े कागज आदि काटने में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है, ये चीजें भी आपको नहीं खरीदनी चाहिए। साथ ही साथ इस दिन तेल खरीदने से भी बचना चाहिए। हालांकि तेल का दान किया जा सकता है, खासकर सरसों का तेल इस दिन उसमें अगर हलवा बना करके आप शनि देव को खिलाएं या फिर भोग लगा करके गरीबों में बांटें तो इससे शनि की दशा टलती है। शनिवार को सरसों या किसी भी पदार्थ का तेल खरीदना रोगकारी आपके परिवार के लिए हो सकता है, इसलिए तेल तो आपको किसी भी सूरत में नहीं खरीदनी चाहिए। दोस्तों, बात कर लेते हैं हम नमक की। नमक हमारे भोजन का सबसे अहम हिस्सा होता है और अगर आप नमक खरीदना चाहते हैं तो आपको मैं बता दूं, भूल से भी, जाने अनजाने में भी अगर नमक आपने खरीद लिया शनिवार के दिन तो यह आपकी नैया डुबो सकता है। शनिवार के दिन जिस घर में नमक खरीदा जाता है उस घर पर सदा कर्ज की स्थिति बन जाती है, साथ ही साथ रोग दोष मुसीबतें टोने टोटके यंत्र तंत्र उस घर पे सबसे ज्यादा होते हैं। शनि ग्रह का अशुभ फल जातक को जबरदस्त पीड़ा देने लगता है और ध्यान रखें इस दिन काला अगर आपके ऊपर शनि की साढ़े साती है, ढैया आदि है, तो आपको नमक भोजन में भी कम से कम सादा नमक यूज करना चाहिए। आपको काले नमक, काली मिर्च आदि का प्रयोग अपने भोजन में करना चाहिए। शनि ग्रह की अनुकूलता के लिए ऐसे भी आपको भोजन में तिल हुआ, उड़द हुआ, मूंगफली का तेल हुआ, अचार हुआ, लौंग हुआ, तेजपत्ता हुआ, काला नमक, काली मिर्च हुआ, इन चीजों का उपयोग ज्यादा करना चाहिए। दोस्तों, सर्दियों में काले तिल शरीर को पुष्ट करते हैं, शीत से मुकाबला करने के लिए शरीर में गर्मी लाते हैं और पूजा में अक्सर मैं कहती हूँ हवन आदि में काले तिलों का आपको उपयोग करना चाहिए। और शनि देव की अगर दशा टालना चाहते हैं तो काले तिल आपके लिए बहुत बहुत चमत्कारी हो सकते हैं। काले तिल का दान करना, पीपल के वृक्ष पर काले तिल चढ़ाना,
काले तिलों से हवन करना ये जबरदस्त लाभकारी होता है। लेकिन शनिवार को काले तिल आपको नहीं खरीदने चाहिए। हाँ, अगर आप चाहते हैं दान करना उसके लिए आप खरीद सकते हैं, लेकिन ऐसे आपको घर में रखने के लिए आपको काले तिल खरीदने से कार्यों में बाधाएं आने लगती है। इसी प्रकार काले जूते भी इस दिन, काले वस्त्र, काले जूते नहीं खरीदने चाहिए, क्योंकि आजकल ऐसे भी ब्लैक का फैशन है, तो लोग मार्केट में जाते हैं वीकेंड्स पे, सैटरडे संडे, सीधा सीधा काली चीजें खरीद कर लेके आते हैं। ऐसा करने से आपको कार्यों में असफलताएं ज्यादा मिलने लगती है। मन में वहम विचार न रखें, लेकिन अगर आपके साथ बहुत सारे शनि दोष चल रहा है और आपको कार्यों में बाधाएं आ रही है, तो ये छोटी छोटी बातें एक बार ध्यान करके देखिए, कहीं हो सकता है इन छोटी छोटी बातों को मानने से आपके जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव आ जाए। दोस्तों, शनिवार के दिन रसोई के लिए ईंधन, माचिस, किरोसिन, जो भी ज्वलनशील पदार्थ माने जाते हैं, उसको भी माना जाता है इस दिन आपको नहीं लेना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि संस्कृति में अग्नि को देवता माना गया और ईंधन की पवित्रता पर विशेष जोर दिया गया है और शनिवार को ईंधन खरीदना वर्जित बताया गया है। इस दिन लाया गया ईंधन परिवार को कष्ट पहुँचाता है। इसी प्रकार मैं कई वीडियोस में आपको बताती हूँ कि शनिवार के दिन आपको झाड़ू काम में लेनी चाहिए, पहली बार झाड़ू का इस्तेमाल करना चाहिए, और शनिवार के दिन आप झाड़ू नहीं खरीदें, लेकिन और कड़े वारों के दिन आपको झाड़ू खरीदनी चाहिए। कड़े वार कौन कौन से होते हैं? शनिवार, रविवार और मंगलवार। लेकिन ध्यान रखें दोस्तों, शनिवार के दिन आपको झाड़ू खरीदना नहीं चाहिए, सिर्फ इस्तेमाल में आपको उस दिन पहले दिन से लाने से आपके घर में जबरदस्त बरकत होती है। और झाड़ू हमारे घर के विकारों को बुहार कर उसे निर्मल बनाती है, हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का आगमन करती है, और झाड़ू खरीदने के लिए इसीलिए शनिवार को उपयुक्त नहीं माना जाता, नहीं तो घर में दरिद्रता का आगमन होता है। इसी प्रकार अनाज की चक्की को भी शनिवार के दिन नहीं खरीदना चाहिए, जबकि अगर आटा पिसाना आप चाहते हैं तो शनिवार के दिन 11 तुलसी के पत्ते और एक पाव काला चना आपको आटे में, गेहूं में डाल करके आटा पिसवाना चाहिए, इससे घर से कलह आदि दूर होते हैं। तो दोस्तों, छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखें, यहाँ तक कि विद्या भी मानी जाती है मनुष्य को जो यश और प्रसिद्धि दिलाती है, और सबसे ज़्यादा उसको अभिव्यक्त करने के लिए पहले ज़माने में तो कलम की यूज़ की जाती थी, आजकल तो इंटरनेट पे लिख लेते हैं लोग, लेकिन कागज़, कलम, दवात, इनको खरीदने के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन गुरुवार बताया गया है। इनको भी खासकर शनिवार के दिन स्याही खरीदने की मनाही होती है, क्योंकि ये मनुष्य को अपयश का भागी बनाता है। तो दोस्तों, आप भी कर लीजिए ये उपाय, शनिवार का दिन है, छोटी छोटी बातों को ध्यान रखें ताकि शनि की साढ़े साथी हो, ढैया हो, कुदृष्टि हो, किसी भी प्रकार के शनि दोषों से आपका जीवन कलह से भर चुका है, तो आज के दिन ये छोटे छोटे उपाय करें, अच्छे जो उपाय मैंने बताए, और जो चीजों की मनाई की गई है, खासकर नमक को अपने घर में इस दिन लाने से बिल्कुल बचना चाहिए, क्योंकि हम जाते हैं मॉल्स में और ट्रॉलीज में सामान जब शॉपिंग करते हैं, उसमें नमक और तेल कब हमारे उसमें आ जाता है ट्रॉली में, हमें भी पता नहीं चलता। तो इस बार, अगली बार आप ध्यान रखें, सारी शॉपिंग करें पर तेल और नमक, लोहे की चीजें आदि की शॉपिंग आपको नहीं करनी है। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी, पापा, भाई बहन, बच्चे, जो लोग भी शनि दोषों से पीड़ित हैं, उन सभी से इन वीडियोस को जरूर शेयर करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियोस के थ्रू आप और मैं कनेक्टेड रह सकें। टेक केयर, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।